Google's India-born CEO Sundar Pichai on Tuesday wished India on its 77th Independence Day. UK Prime Minister Rishi Sunak began his speech with "Hi Sia Ram." ये जो सारे shorts videos को आपने देखा, ये सारे AI से बनाया गया है। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ videos को आप कैसे बना सकते हो। और यहाँ पर जितना भी मैंने software का हो, की tools का हो, सारे free है, easily available है। सिर्फ एक laptop की requirement है। और एक tips देना चाहूँगा, video को बिना skip किए देखो। Video थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, क्योंकि मैं एकदम details में समझाने वाला हूँ। तो video को start करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा। कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, इसके अंदर ही हम सारे एडिट करने वाले हैं। और कैपकट के लिए हम एक VPN को यूज कर रहे हैं, वो है पैलाडिन VPN। ये VPN आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले हम हमारा स्क्रिप्ट को पहले बना लेते हैं। तो बाय द वे, स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम GPT का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब ChatGPT का। तो ChatGPT में एक चीज होता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई ChatGPT की मदद से तुम इतना वीडियो बना सकते हो। हाँ भाई, बना सकते हो, लेकिन मैंने जो चीज फेस किया ChatGPT के अंदर, अगर आप लिख के सर्च करते हो कि 500 रैंडम फैक्ट्स, तो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा अपडेट करके फिर से लिखोगे कि अनदर 500 मेरे को और रैंडम फैक्ट दे दे भाई बनाकर, तो वो क्या करता है, पहले जो दिया था ना वहाँ से ही ज्यादातर वो वहाँ पर वो रिपीट करता रहता है। तो इसलिए हम ChatGPT का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट का मदद लेंगे, जिसका नाम है इनसॉर्ट न्यूज। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको क्या होता है, 60 वर्ड्स के अंदर आपको न्यूज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ के अंदर हम आ जाते हैं। तो हमारा जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर है, या फिर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख सकते हो। यहाँ पर देखो चंद्रयान 3 रिलेटेड एक है, तो इसके ऊपर आप बना सकते हो। तो मैं बना रहा हूँ जो वीडियो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। तो इसके लिए हम मेनू पे जाकर यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाएंगे। बाय द वे, यहाँ पर आपका हिंदी में भी एक है, तो डायरेक्ट वहाँ पर हिंदी में भी आप अपना स्क्रिप्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ से आप न्यूज उसको लेकर आप बना सकते हो। तो हम इंग्लिश में करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस होगा वो बाहर का होगा। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं एक बढ़िया सा न्यूज। यहाँ पर एक देख सकते हो कि सोमालिया पे टिकटॉक को बैन किया है, उसके रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो इसको हम इसके ऊपर ही हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली आप एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ पर देखकर नोटपैड के अंदर एकदम लिख के बना सकते हो, या फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट के अंदर जाओ, और यहाँ पर देखो एक जगह पे ये मार्क हो रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करो और यहाँ पर देखो ये पूरा लिखा जो था ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो वो जो लिखा यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर आ चुका है। इसको डबल क्लिक करो, उसके बाद आप कंट्रोल एच कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल सी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट हमने ले लिया। अभी इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और अभी हम हमारा जो VPN है इसको स्टार्ट करते हैं। तो VPN के अंदर हम USA का सर्वर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो VPN जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी हम कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के साथ साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रिप्ट टू वीडियो का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप VPN को कनेक्ट नहीं करके इसको ओपन करोगे तो ये जो स्क्रिप्ट टू वीडियो का ऑप्शन है ना, ये आपको नहीं दिखाएगा। और बाय द वे, अगर आप कैपकट पहले से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर हमने जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो, मतलब जो वॉइस होगा टीम का लेना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारा ऑडियो मतलब वॉइस का यहाँ पर एग्जांपल है, सैंपल है बोल सकते हो। तो यहाँ से तुम अपना मनपसंद एक चॉइस कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेनरेट पे जाना है, दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका टॉपिक के रिलेटेड वो पूरा इंटरनेट पे खोज के उसके हिसाब से कुछ सैंपल वीडियोस या फिर पिक्चर्स को वो कलेक्ट करके वीडियो के अंदर डाल देगा। तो हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन में क्या होता है, आपका कंप्यूटर के अंदर जितना सारा वीडियो फोटोज जो भी है उसको लेकर वो बना देता, ठीक है। इसलिए हमने पहला वाला ऑप्शन को डाल दिया। अब थोड़ा वेट करते हैं, तो लगभग भाई 30 सेकंड के अंदर ये वीडियो को बना देता है। देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो बनाना कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दो तीन लेयर आ चुका है। पहला जो लेयर है ना, ये टेक्स्ट का लेयर है। दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे जो पिक्चर है उसका लेयर है। थर्ड में ये जो टेक्स्ट है ना, उसका ही ऑडियो वर्जन है। और लास्ट में यहाँ पर एक आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जो आपका पिक्चर्स आए हैं, अगर आपको लगे कि भाई ये मेरा टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहा है, मिलता जुलता नहीं है, तो इसको सिंपली डिलीट कर दो। अगर लगता है भाई हाँ ये मेरा टॉपिक के लिए एकदम 100% सही सिलेक्ट किया है, तो रख सकते हो। तो हम इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है, और यहाँ पर आप पिक्सेल्स हो गया, या फिर जहाँ पर आपको नो कॉपीराइट वीडियो मिलता है ना, वहाँ से तुम एक अपना टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो ले लेना। तो मैं यहाँ से पिक्सेल पे जाकर एक वीडियो फाइल को ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने एक वीडियो फाइल को लिया है, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, और एक्स्ट्रा जो पोर्शन है हमारा उसको हम कट करके डिलीट कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर कोई भी ऑडियो नहीं है। अगर आपका वीडियो के अंदर कोई भी ऑडियो रहता है तो उसको आप एकदम से म्यूट कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट का ऑडियो है वो वहाँ पर सुनने में दिक्कत होगा, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो 16:9 है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको 9:16 पे कर देना है, क्योंकि ये जो हमारा शॉर्ट वीडियो का जो रेशियो है ना वो 9:16 का है। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, पहला जो टेक्स्ट है उसको आप क्लिक करना है, उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर सब जो हमने लिखा था वो आ चुका है। अभी यहाँ से अप्लाई ऑल जो ऑप्शन है इसको इनेबल अगर नहीं रहता है तो इसको इनेबल कर देना। फिर यहाँ पर क्या करना है, आप अपना मनपसंद एक टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लो। फिर जो फॉन्ट का जो साइज है, लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा उस हिसाब से तुम अपना फॉन्ट का जो साइज है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर बीच में लाकर एकदम से सेट कर दो, ओके। अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई ऑल जो ऑप्शन था इसको ऑफ कर दो, और फिर हम यहाँ से कुछ कुछ पार्ट को हम थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर सोमालिया जो आर्ट है इसको हम कर देते हैं येलो। उसके बाद बैन ऑन टिकटॉक जो है, ये बैन ऑन टिकटॉक इसको हम कर देते हैं रेड, ये हो गया। फिर हम एनिमेशन पे चले जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन है। ये जो एनिमेशन है ये मेरे को काफी पसंद आता है, तो हम इस वाला एनिमेशन को सेव करने वाले हैं। इसको क्लिक करते ही ये ऑडियो के साथ आपको बोलना शुरू कर देगा, दिखाता है सुमा सुमा। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़े ही दूर बोलने के साथ साथ ही ये कम्प्लीट हो रहा है एनिमेशन। तो आपको क्या करना है, ये जो ड्यूरेशन का पार्ट है ना इसको एकदम अंत तक आपको कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो ऑडियो है ना उसका बोलने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर टेक्स्ट जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सोमालिया has enacted a ban on TikTok, messaging up Telegram। तब देख सकते हो बढ़िया तरीके से हमारा पहला जो टेक्स्ट का पोर्शन था वो हमारा रेडी हो चुका है। ऐसे ऐसे करके हम हमारा टेक्स्ट का आधा जो पोर्शन है उनको सबको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो सारे टेक्स्ट फाइल हैं उनको हम एडिट करके रेडी कर लिए हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा एक काम बाकी है, यहाँ पर हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हेलो ब्लास्ट करके एक इफेक्ट है, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। और उसके साथ ये वाला एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट को भी मेरे को बहुत पसंद है तो इसको भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ वीडियो ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप चाहो तो आप अपना मनपसंद टाइटल यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे जहाँ से हमने ये टॉपिक को लिया था उसका जो टाइटल है हम उसको ही इस वीडियो को टाइटल में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सेम प्रोसेस से ही हम टाइटल को ले लेंगे यहाँ से और उसको जाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको एक्सपोर्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 सेकेंड के अंदर मेरा वीडियो रेडी हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट वीडियो को यूट्यूब के अंदर डाल सकते हो। तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ये वीडियो को कैसे डालना है उसको दिखा देते हैं। तो आप अपना कंप्यूटर से ही शॉर्ट वीडियोस को डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरा एक अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं फाइल को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो वो वीडियो का फाइल हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ पर पूरा टेक्स्ट को डाल देंगे। अभी यहाँ पर एक और फीचर्स आया है जहाँ पर आपको हैशटैग सजेस्ट करेगा, तो इसको भी हम डाल देते हैं और इसको ही कॉपी करके हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे और इन चीज़ को थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम ऐसे करके। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो टैग लगाने का जगह है, ठीक है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग टैग क्या हो सकता है उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद से ही सर्च कर ले सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है ट्यून पॉकेट। इसके अंदर से आप मतलब इस वेबसाइट के मदद से आप अपना टैग को जनरेट कर सकते हो। तो वेबसाइट भी खुल चुका है। तो यहाँ पर हम हमारा जो यहाँ पर टाइटल दिया गया है उस टाइटल को यहाँ पर डालना है, क्लिक करेंगे और जेनरेट टैग पे क्लिक कर देंगे। तो ये वेरीफाई हो चुका है, अभी हम जेनरेट टैग पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे लिए बहुत सारा टैग को जेनरेट कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और सीधा हमारा वीडियो के अंदर यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाते हैं वीडियो एलिमेंट के अंदर। यहाँ पर आप चाहो तो सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमने कैपकट का मदद से बनाया था ना यहाँ पर आपको सबटाइटल्स भी ये जनरेट कर देता है। कैसे अपलोड करना है चलो देख लेते हैं। अपलोड फाइल के अंदर जाना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है और यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाला जो फाइल है ये हमारा जो इसका सबटाइटल है उसका फाइल है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सबटाइटल हमारा ऐड हो चुका है। तो कोई चाहे तो दूसरा लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके भी दे सकता है, क्योंकि यूट्यूब में वो वाला फीचर भी रहता है। तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और अनलिस्टेड करके हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी भी काम बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो अपलोड कम्प्लीट हो चुका है। अभी हमको इसके अंदर जाना है। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कहाँ से इस वीडियो को लिया है मतलब वीडियो का जो टॉपिक है उसको आप चाहो तो यहाँ का लिंक आप दे सकते हो कि ये वीडियो यहाँ इनशॉर्ट का इसे हम बना रहे हैं, चाहो तो आप दे सकते हो। अभी जो मैं चीज़ बोल रहा था, आपको एडिटर के अंदर जाना है, उसके बाद इस वीडियो के लिए आपको एक ऑडियो लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर आप AI रिलेटेड मतलब AI जनरेटेड वीडियो बनाओगे तो शायद YouTube उसको मोनेटाइजेशन के लिए नहीं कर सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर आप ऑडियो लगाओगे तो वो मोनिटाइज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से एक रैंडम ऑडियो को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस वाला ऑडियो को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट मिक्स लेवल करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसका जो कर्सर के मदद से आपको इसको एकदम साइड में थोड़ा सा जगह छोड़कर इसको कर देना है। तो इसका मदद से क्या होगा, आपका जो वीडियो का ऑडियो है वो भी रहेगा, उसके साथ हमने ये जो सॉन्ग को यूज कर रहे हैं ना, इसका जो ऑडियो है वो बैकग्राउंड में हो जाएगा। Somalia has enacted a ban on TikTok messaging app Telegram। ऐसे प्रकार के आपका जो बैकग्राउंड ऑडियो है वो भी रहेगा और आपका वीडियो का जो ऑडियो है वो भी रहेगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो सेव होने के बाद आप थोड़ी देर वेट कर लेना, 5 to 10 minutes के बाद ये जो ऑडियो है ये एंड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सिंपली पब्लिक कर दो, फिर वेट करो कितना व्यू आता है वो आपका वीडियो का कंटेंट के ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ। बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ऐसे ही कुछ अगर आपके पास सवाल हैं तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ, मैं उसको 100% सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। बाय बाय।